दोस्तों, वैसे तो यूनान में बहुत से युद्ध हुए, लेकिन पर्शिया के खिलाफ 300 यूनानी सैनिकों के साथ लड़े गए युद्ध की कहानी लोग आज भी नहीं भूले। इस युद्ध में पर्शिया ने एक विशाल सेना के साथ यूनान पर हमला कर दिया था। उनके पास ढेर सारे आधुनिक हथियार भी थे। माना जाता है कि उनकी तुलना में यूनानी बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के चलते उन्होंने पर्शिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो आइए इस युद्ध की कहानी को जरा नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। स्पार्टा के राजा लियोनाइडस अपने 300 सैनिकों के साथ एक पतले से रास्ते पर खड़े थे। हवाओं का मिजाज कुछ बदला बदला सा था। स्पार्टन्स को अपने सामने सिर्फ दुश्मन दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। पर्शिया की विशाल सेना के हौसले बुलंद थे। वो स्पार्टन्स को नेस्त नाबूद कर देना चाहते थे। दोनों देशों के बीच युद्ध तय था। असल में इस युद्ध की नींव पर्शिया के पहले राजा दारियुश ने रखी थी। माना जाता है कि दारियुश ने पहले यूनान पर हमला किया था। उसके पास एक अच्छी सेना थी और यूनान में उस समय आपसी लड़ाइयां भी चल रही थी। इसी का फायदा उठाने के लिए वो अपनी सेना के साथ यूनान पहुंच गया। अपनी विशाल सेना के साथ वो जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यूनान के सारे राज्य एक साथ हो गए और पर्शियन सेना को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पर्शिया का राजा दारियुश मारा गया। उसके बाद पर्शिया की राजगद्दी उसके बेटे जर्कसीज को मिल गई। जर्कसीज एक क्रूर राजा था। वो अपने पिता की मौत का बदला यूनान को ख़त्म करके लेना चाहता था, और यहीं से इस जंग की असली शुरुआत हो गई थी। जर्कसीज ने यूनान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जहाँ जर्कसीज ने जंग का बिगुल बजा दिया था, वहीं स्पार्टन्स भी अपने देश को बचाने के लिए तैयार थे। स्पार्टन्स को यूनान की सबसे ताकतवर सेना का हिस्सा माना जाता था। इसके बावजूद लियोनाइडस को आभास था कि ये जंग उनकी आखिरी जंग हो सकती है। इसीलिए वो अपने साथ सिर्फ 300 सैनिक ले गए। इन 300 सैनिकों में उसने उन 300 सैनिकों को चुना था जिनके भाई या बच्चे थे, ताकि अगर वे जंग में शहीद भी हो जाएं तो उनका परिवार खत्म ना हो। वैसे भी लियोनाइडस ने अपने लिए जिन सिपाहियों को चुना था, वो फौलाद के बने हुए थे। एक एक योद्धा दुश्मन के कई सैनिकों पर भारी था। बावजूद इसके लियोनाइडस कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को बचाए रखना चाहता था। स्पार्टन्स को अपने राजा पर पूरा भरोसा था। पर्शियन सेना के जहाज तट पर आ गए थे। जहाज़ों से एक एक कर सैनिक उतरने लगे। जर्कसीज की सेना में न सिर्फ पर्शियन थे, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े योद्धा और महारथी भी आए हुए थे। युद्ध मैदान पर आते ही पर्शियन सेना ने स्पार्टन्स को हथियार डालकर झुकने की सलाह दी। लियोनाइडस ने इसका जवाब देते हुए कहा, स्पार्टन्स झुकने के लिए नहीं आए, जीतने के लिए आए हैं। ये सुनकर जर्कसीज आग बबूला हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक छोटी सी टुकड़ी उसकी इतनी बड़ी सेना के आगे लड़ने से नहीं डर रही। उसके बाद जर्कसीज ने जंग का आगाज कर दिया और उसकी सेना थर्मोपाइले की ओर आगे बढ़ने लगी, जहां स्पार्टा की सेना उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जर्कसीज को लगा था कि 300 स्पार्टा सैनिकों को मारने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसने अपने सबसे बेहतरीन तीरंदाजों की टुकड़ी को भेजा और उनसे आग वाले तीर छोड़ने को कहा। तीर इतनी बड़ी संख्या में थे कि आसमान तक ढक गया, लेकिन स्पार्टन्स इसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपने कौशल से इन तीरों को बेकार कर दिया। ये देखकर पर्शियन सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। लियोनाइडस को पता था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए उन्होंने दुश्मन को रोकने की एक रणनीति बना ली थी। दरअसल थर्मोपाइले यूनान में घुसने का एकमात्र रास्ता था। वह बहुत ही पतला था, जिसकी वजह से बड़ी सेना को वहां गुजरने में हफ्तों लग जाते। इसके अलावा यूनान तक पहुंचने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। लियोनाइडस की सेना योजना के अनुसार बचाव के रूप में खड़ी हो गई। हर सैनिक अपने बगल में खड़े सैनिक को अपनी ढाल से बचाने की मुद्रा में खड़ा था। पर्शियन सेना बड़ी ही तेजी से उन पर हमला करने आई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। और जैसे ही पर्शियन सेना की गति थकने के कारण थोड़ी धीमी पड़ गई, तुरंत ही स्पार्टन्स ने धावा बोल दिया। एक एक कर कई पर्शियन सैनिक मरने लगे, खून पानी की तरह बहने लगा। किंग लियोनाइडस की रणनीति काम कर रही थी। पतली जगह की वजह से पर्शियन भारी मात्रा में उन पर हमला नहीं कर पा रहे थे। कई बार जर्कसीज ने अलग अलग टुकड़ियां भेजी, पर कोई भी स्पार्टा के 300 सैनिकों को छू भी नहीं पाया। स्पार्टा ने पहले दिन में जर्कसीज को अपनी ताकत दिखा दी थी।
उनकी ये रणनीति अगर ऐसे ही चलती रहती तो वो कभी भी नहीं हारते। पहला दिन तो स्पार्टा ने अपने नाम कर लिया था, अब दूसरे दिन उन्हें फिर वही कारनामा करके दिखाना था। अगले दिन फिर से ज़र्क्सीज़ ने अपने सबसे बेहतर सैनिक भेजे, लेकिन इस बार भी उन्हें मोगी खानी पड़ी। हर तरफ मरने का शोर था और हवा में खून की महक बह रही थी। अब लगने लगा था कि लियोनाइडस जीत जाएंगे, लेकिन तभी वक्त ने करवट ली। लियोनाइडस की रणनीति बहुत ही कारगर थी। वो जानता था कि पर्शियंस को कभी भी थर्मोपाइले में घुसने का रास्ता पता नहीं चल पाएगा। जंग का दूसरा दिन अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एफी एलेट्स नाम के एक यूनानी ने दौलत के लालच में आकर ज़र्क्सीज को उस दूसरे रास्ते के बारे में बता दिया जहाँ से यूनान में घुसा जा सकता था। ज़र्क्सीज समझ गया था कि उसे लियोनाइडस को कैसे हराना है। उसने तुरंत अपने तीरंदाजों को इस गुप्त रास्ते के बारे में बताया और तेजी से घुसने का आदेश दिया। तीसरे दिन का युद्ध शुरू ही हुआ था कि लियोनाइडस को पता चल गया कि पर्शियन दूसरे रास्ते के बारे में जान चुके हैं। ये उनके लिए बुरी खबर थी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और वो मजबूती के साथ दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे। ज़र्क्सीज के तीरंदाज जो अब तक लियोनाइडस से काफ़ी दूर थे, अब स्पार्टन्स के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे, लेकिन लियोनाइडस ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। उन्होंने कायरों की तरह भागने की बजाय एक वीर की तरह रणभूमि में मरना पसंद किया। लियोनाइडस ने अपना एक जवान वापस स्पार्टा भेज दिया ताकि वापस जाकर वो बाकियों को बता सके कि कैसे उनके सिपाही वीरों की तरह लड़े। थोड़ी ही देर बाद सारे स्पार्टन्स को पर्शियन सेना ने घेर लिया और आसमान से उन पर तीरों की बौछार कर दी। तीरों ने सूरज को ढक लिया था। लियोनाइडस और सिपाहियों के सामने मौत खड़ी थी, पर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने खुली बाहों से मौत को गले लगाया। पर्शिया और यूनान के बीच हुआ यह युद्ध दुनिया के सबसे बड़े युद्धों की गिनती में आता है। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें हौसलों की जीत हुई थी। 300 स्पार्टन्स इतिहास लिखने में कामयाब रहे। उन्होंने दुनिया को ये बता दिया था कि वीरता किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।